स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। आज हमारे प्रोग्राम में चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रविंदर सिंह, जो कि एक कुशल न्यूरोलॉजिस्ट हैं। तो आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ बातें जानते हैं डॉक्टर रविंदर सिंह से। डॉक्टर, ब्रेक के पहले जैसा कि आपने हमको बताया पैरालिसिस क्या होता है, किस तरह से इससे बचा जा सकता है, मैं आपसे यहाँ एक और बात पूछना चाहूँगी कि नसों का सुन्न होना, ये भी आजकल की जिंदगी में एक बहुत आम बीमारी हो गई है जो लोगों को परेशान होती है, तो इसके क्या कारण होते हैं? ऐसा है कि नसें, पहले तो ये जानना जरूरी है नसें क्या होती हैं। नसें एक बिजली के वायर की तरह काम करती हैं और बिजली के वायर में जैसे इंसुलेशन ऊपर होता है जो कि करंट को रेगुलर फ्लो करता है, तो जब ये इंसुलेशन में कुछ डिस्टरबेंस आ जाती है तो नसें सुन्न होने लग जाती हैं। जैसे इंसुलेशन डिस्टर्ब हुआ वैसे करंट जाना बंद हुआ और हाथ पैर में सुन्न होना शुरू हुआ। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे सबसे कॉमन जो ट्रीटेबल कॉज है वो एक डायबिटीज़, विटामिन B12 की कमी होना, थायराइड की कमी होना और कई बार रीढ़ की हड्डी के लेवल पर भी नसें दब जाती है जिसके कारण ये सुनपन होता है। कई लोगों का जैसे बहुत लंबे देर खड़े होना या बहुत लंबे देर सिटिंग का जो जॉब भी होता है उसमें भी प्रेशर पालसीज होती हैं क्योंकि नसों पर दबाव रेगुलर पड़ता रहता है और वो सुन होना शुरू होती है। लेकिन ये कॉमन भ्रांति ये है कि नसों का सुन होना इसका मतलब लकवे का घोतक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। करीब 80-90% नसों का सुन्न होना किसी तरह के लकवे का घोतक नहीं है। सिर्फ 10% केसेस में ही ऐसा होता है कि नसों का सुन्नपन किसी लकवे का पूरा अनुमान लगाया जा सकता है कि नसों का सुन्न होना पूरी तरह से लकवा नहीं होता है। लकवा नहीं होता है, सिर्फ 10% केसेस में ही नसों का सुन्न होना किसी लकवे का पहला लक्षण होता है। डॉक्टर, यह हम आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार हाथ पैर तो सुन्न होते ही हैं लेकिन इसके साथ साथ मरीज की या पेशेंट की सर की नसें हैं वो भी सुन्न हो जाती हैं, उसको कुछ भारी भारी सा लगता है, इसका क्या कारण होता है? ऐसा होता है, बहुत अच्छा सवाल है ये भी, क्योंकि जो अगर हम अपने शरीर को एक मशीन माने तो उसका जो मेन कंट्रोल है वो ब्रेन होता है, ब्रेन एक पावर हाउस होता है। तो जैसे ही ब्रेन के सप्लाई में कुछ प्रॉब्लम आती है, चाहे वो ब्लड सप्लाई के कारण दिक्कत हो या किसी और नसें खिंच गई हों, तो उसका असर हाथ पैर में भी आता है। जैसे सिर भारी हुआ उसके साथ ही हाथ पैर की नसों में भी सूनापन आ जाता है, क्योंकि ये पूरी अपनी जो बॉडी है पूरी इंटरकनेक्टेड है, जो कि ब्रेन पावर हाउस होता है और बाकी सब वायरिंग। जी डॉक्टर, जैसा कि आपने बताया कि ब्लड की कमी से या ब्लड का सही तरह से सर्कुलेशन हमारी बॉडी में नहीं हो पाता तो उस वजह से नसें प्रेस होना स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम नसों का सुन्न होना भी कहते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि लोगों को ये शायद भ्रांति है कि जब हमारे शरीर में कमजोरी होती है उस वक्त नसें सुन्न होना शुरू हो जाती हैं, तो मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को बताएं ये बात कितनी हद तक सही है। ज़्यादातर जब भी नसों का सुन्नपन होता है या कोई लकवा आना शुरू होता है तो मरीज ये समझता है कि शरीर में कुछ कमी हो गई है, कुछ विटामिन की कमी हो गई है, कोई बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाती है, कमी हो गई है, और वो शुरू में प्रॉपर डॉक्टर के पास ना जाके अपने आप ही ड्रिप या इंजेक्शन लगाना शुरू कर देते हैं। मेरा ये मानना है कि कमजोरी शरीर की जनरल अलग चीज़ होती है, नसों की कमजोरी अलग होती है। ज़्यादातर इलाज में इसीलिए देरी हो जाती है क्योंकि प्रॉब्लम नसों के बंद होने से या करंट प्रॉपर चलने ना होने से होता है, और मरीज कमजोरी का इलाज बी कॉम्प्लेक्स ताकत की दवाई हकीम के पास ये शुरू रहता है। अगर समय रहते हुए सही लक्षणों का पता चल जाए और ठीक इलाज हो जाए तो बहुत सारे लकवे बहुत जल्दी और एफिशिएंट ढंग से ठीक हो सकते हैं। डॉक्टर, जैसा कि आपने बताया कि सही समय पर अगर बीमारी का पता लग जाए, तो मैं आपसे यहाँ जानना चाहूँगी कि किस तरह का टेस्ट नसों के सुन्न होने पर किया जाता है और कैसे इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया जाता है? अगर तो कॉज, अब ये नसों की सुन्न दो कारण से हो सकते हैं, या तो ब्रेन के कारण हो सकते हैं या शरीर में कई तरह की जो नसें चलती हैं उसके कारण हो सकती है। अगर तो ब्रेन के कारण हुआ है ये प्रॉपरली डॉक्टर बता सकता है, तो सीटी स्कैन से या MRI से हो सकता है, और अगर हाथ पैर की नसें कमज़ोर हुई हैं तो एक नर्व कंडक्शन टेस्ट नाम का टेस्ट होता है, वो उससे पता कर अर्ली पता चल जाता है कि नसें सुन्न हो रही हैं, कितना हुआ है और अपन को ट्रीटमेंट कितनी किस हिसाब से देना है और कितना देना है। जी डॉक्टर, बिल्कुल सही बात और बहुत अच्छी बात आपने हमारे दर्शकों को बताई कि नर्व कंडक्शन टेस्ट या CT स्कैन के जरिए नसों का सुन्न होने की अर्ली स्टेज को हम पता लगा कर सकते हैं और उसके बिना पर प्रॉपर ट्रीटमेंट हम ले सकते हैं और इस बीमारी से बच सकते हैं। दर्शकों, अब हम बात करते हैं नींद ना आने की, क्योंकि ये भी आज की जिंदगी में एक आम बीमारी है।
थोड़ा सा भी डिप्रेशन होने पर, थोड़ा सा भी तनाव होने पर हमें नींद नहीं आती, नींद न आने की शिकायत रहती है। क्या इसका कारण होता है, आइए जानते हैं डॉक्टर रविंदर सिंह से। डॉक्टर, हम जानना चाहेंगे कि नींद न आना, इसके पीछे क्या मुख्य कारण होता है? नींद न आने के पीछे मुख्य कारण आजकल जो तनाव है, और तनाव का क्या कारण है, कंपटीशन। और जो आजकल कंपटीशन हो गया है कि एक से आगे बढ़ने का, उसके कारण लोगों में तनाव अत्यधिक बढ़ गया और नींद प्रॉपर आती नहीं। कंपटीशन को मैं गलत नहीं मानता, आगे बढ़ने के लिए कंपटीशन होना ज़रूरी है, लेकिन कंपटीशन इस हद तक हो गया है कि लोग आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, किसी भी लेवल तक कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो जाते हैं, और उससे जीवन में इतना ज़्यादा तनाव बढ़ गया कि नींद नहीं आती है। बहुत कम कॉज ही मेडिकल होते हैं तनाव के अलावा जिसमें नींद ना आना। बीमारी के कारण बहुत कम बीमारियां होती हैं जिसमें नींद नहीं आती, ज़्यादातर कारण तनाव ही होते हैं, जो कि आपस में प्रतिस्पर्धा, ज़्यादा से ज़्यादा कमाने और लोगों की जो ज़रूरत बढ़ गई है उसके कारण जो तनाव पैदा हो रहे हैं उसके कारण नींद नहीं आती। जी डॉक्टर, जैसा कि आपने बताया कि तनाव के कारण नींद न आने की बीमारी बेसिकली या मेनली आजकल होती है, तो हम आपसे यहाँ जानना चाहेंगे कि इसका ट्रीटमेंट किस तरह से दिया जाता है? क्या नींद की जो पिल्स होती हैं वही इसका परमानेंट ट्रीटमेंट होता है, या इसके अलावा भी कोई ट्रीटमेंट है? नींद का पिल्स इसका परमानेंट इलाज नहीं है। मैं ये दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आजकल जैसे ही नींद नहीं आती है लोग पिल्स ले लेते हैं ताकि अपना अगले दिन काम चले। नींद ना आने का सबसे पहले हम लोगों को कारण ढूंढना चाहिए कि कारण क्या है, और उस तनाव को पहले हटाना चाहिए, और भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो सोने से 2-3 घंटे पहले खाना खा लें, खाना खाने के तुरंत बाद थोड़ा सा वॉक करें ताकि खाना हजम हो जाए, कमरे में किसी तरह की तेज़ आवाज़ और तेज़ रोशनी ना हो। लोगों का ये मानना है कि मैं टीवी देखते देखते चैनल बदलते बदलते सो जाऊंगा और उससे मुझे अच्छी नींद आएगी। मैं ये भ्रांति को दूर करना चाहूंगा कि किसी भी तरह की आवाज़ या रोशनी से नींद का नेचुरल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, और जो जिस तरह का उनको म्यूज़िक पसंद है वो म्यूज़िक सुने, और कोशिश करें गर्मियों के दिनों में सोने से पहले तो 1-2 घंटा पहले नहा लें, शावर ले लें। उससे अगर ये कुछ कारण सावधानियां हम लोग रखें तो नींद की पिल्स की ज़रूरत नहीं। नींद की पिल्स बहुत स्टार्टिंग में पेशेंट की एप्रीहेंशन को, पेशेंट की एंग्जाइटी को कम करने के लिए दी जाती है, उसको लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए और ना ही तुरंत उसको ले लेना चाहिए कि आज नींद नहीं आई आज मैंने गोली ले ली। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर आपने, क्योंकि आज की ज़िंदगी में बच्चे से लेकर बूढ़े तक को नींद ना आने की बीमारी होती है, और इसमें नींद की पिल्स एक कारगर इलाज नहीं है। डॉक्टर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा क्या कोई साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट भी होता है जो नींद ना आने पर पेशेंट को दिया जाता है? बिल्कुल, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एक तो मेडिटेशन। जी, मेडिटेशन सबसे अचूक इलाज है नींद की अनिद्रा को दूर करने का। दूसरा ये है कि आप जिस भी धर्म को फॉलो करो उसमें ऐसे मंत्र होते हैं, उनका रेगुलर जाप करें। तीसरा ये है कि रेगुलर आजकल योगा बहुत अच्छी एक तरीका है दवाइयों से बचने के लिए, अगर रेगुलर योगा करें। और चौथा ये कारण है कि छोटे छोटे चीज़ों के तनाव से बचें, और तेज़ रोशनी और ऊंचा ना बोले, ना ही तेज़ म्यूज़िक सुने। जी डॉक्टर, बिल्कुल सही बताया आपने, क्योंकि तनावपूर्ण आज हमारी ज़िंदगी हो चुकी है, भागदौड़ भरी ज़िंदगी हो चुकी है, हमारे पास खुद के लिए भी थोड़ा सा समय नहीं है, और ऐसे में नींद ना आना बहुत आम बीमारी है। और बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने कि आप मेडिटेशन और योगा पे ज़्यादा डिपेंड रहें ताकि आपको नींद की पिल्स की कम से कम ज़रूरत हो। आइए कुछ और बातों के बारे में जानते हैं डॉक्टर रविंदर सिंह से। डॉक्टर, जैसा कि अब गर्मी का मौसम चल रहा है तो ऐसे में एक और चीज़ आम देखी जाती है, थोड़ा सा धूप में बाहर निकलने पर या सनलाइट में बाहर निकलने पर लोगों को अचानक से बेहोशी सी होती है, चक्कर आते हैं, आंखों के सामने अचानक अंधेरा सा छा जाता है, इसके क्या कारण है? इसका सबसे कारण, इम्पोर्टेंट कारण ये है कि गर्मियों में शरीर में एक लवण होता है सोडियम, उसकी बहुत जल्दी कमी हो जाती है, और जो सोडियम का काम होता है ब्रेन की प्रॉपर कंडक्शन को मेंटेन करना, ब्रेन के पावर हाउस को प्रॉपर चलाना, तो जब सोडियम की कमी होती है तो ब्रेन में बिजली की जो प्रवाह है वो रुक जाता है और चक्कर आते हैं। दूसरा कारण ये होता है कि गर्मी में चलने से गर्मियों में ब्लड प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है और उसको वेजोवेगल अटैक कहते हैं और चक्कर आ जाते हैं। तीसरा एक मैं इम्पॉर्टेंट बात कहूँगा कि ये तो कॉमन कॉज है, लेकिन कई बार चक्कर आना मिर्गी का भी स्टार्टिंग सिम्टम होता है। कई बार पेशेंट
कुछ चक्कर आते हैं, चक्कर खा के वो गिर जाता है और मिर्गी के टिपिकल सिम्टम नहीं आते जैसे हाथ पैर हिलना, तो लोग उसको सॉल्ट वगैरह दे के खड़ा कर देते हैं और इस तरह से कई बार ये बीमारी अनडायग्नोज चलती रहती और इंक्रीज होती रहती है। तो मेरा मानना है कि अगर चक्कर बार बार चक्कर आ रहे हैं और फ्रीक्वेंटली और इसका ड्यूरेशन बढ़ता जा रहा है तो इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए कि ये कोई ब्रेन की बीमारी के कारण तो नहीं है, कोई मिर्गी का स्टार्टिंग सिम्टम तो नहीं है या ब्रेन में और कोई सूजन वगैरह तो नहीं है जिसके कारण ये चक्कर आए। लेकिन हाँ, गर्मियों में चक्कर का मोस्ट कॉमन कॉज शरीर में पानी की कमी हो जाना, शरीर में लवणों की कमी हो जाना। डॉक्टर, जैसा कि आपने बताया शरीर में पानी और सोडियम लवण की कमी के कारण कई बार ऐसा होता है कि मरीज बेहोश हो जाता है, मरीज को चक्कर आते हैं और आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि गर्मी में वो उस बीमारी से बचने के लिए किस तरह से अपना ध्यान रखें। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम अपने काम नहीं छोड़ सकते, हम गर्म देश में रहते हैं लेकिन रेगुलर पानी पीते रहें। दिन में अंदाजन 3 से 4 किलो लिक्विड जाना चाहिए, चाहे वो पानी के रूप में जाए, छाछ के रूप में जाए, शिकंजी के रूप में जाए, दूध के रूप में जाए, और उसमें सॉल्ट की प्रॉपर मात्रा हो। अब कितना सॉल्ट होना चाहिए, 10 ग्राम सॉल्ट, ये बहुत मेडिकल टर्म है। अंदाजन 2 चम्मच सॉल्ट अगर दिन भर हम ले रहे हैं तो इस तरह के चक्करों से अपन हम लोग बच सकते हैं। दूसरा, जब भी गर्मी से आए और कमरे में एंटर हों तो थोड़ी देर बैठने के बाद कम से कम भी 2 गिलास पानी जरूर पिए। उससे क्या है, इमीडिएटली जो लिक्विड की या सॉल्ट की कमी हो जाती है उससे बचा जा सकता है। और जब टेम्परेचर भी उससे नॉर्मल, उससे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होता है। और जब भी गर्मी में निकलें तो सिर पर कुछ ना कुछ कपड़ा डाल के निकलें। आपने गांव में देखा होगा कि जो गांव में हमारे लोग हैं, सिर पर कोई ना कोई साफा, सिर पर कोई ना कोई कपड़ा, या लेडीज सिर पर कपड़ा डाल के निकलती हैं। उसका एक मेडिकल सिग्निफिकेंस भी है कि डायरेक्ट रेस से एक्सपोजर हमको कम हो और ये दिक्कत कम हो। जी धन्यवाद डॉक्टर, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। और दर्शकों, मैं उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर रविंद्र ने जो आपको आज जानकारी दी पैरालिसिस अटैक के बारे में, नसों के सुन्न होने को लेकर और अनिद्रा को लेकर, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबके लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुई होगी। और आप इस गर्मियों में अपना पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, पूरी तरह से लिक्विड और सॉल्ट की मात्रा अपने खाने में प्रयोग करेंगे। अगले एपिसोड में किसी और नई बीमारी और उससे जुड़े समाधानों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे और डॉक्टर रविंद्र को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में जिसका नाम है मेडिटॉक। दर्शकों, नींद ना आना, पैरालिसिस अटैक होना और नसों का सुन होना आमतौर पर आजकल की जिंदगी में ये आम बीमारियां हो गई हैं जो लोगों को परेशान करती हैं। और आज इसी के बारे में हम हमारे इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर रविंदर सिंह। डॉक्टर, हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, डॉक्टर रविंदर सिंह एक कुशल न्यूरोलॉजिस्ट हैं और बहुत जल्द ये मेडिकल कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी सेवाएं भी देने वाले हैं। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर, सबसे पहले हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि पैरालिसिस अटैक क्या होता है और क्या इसके लक्षण होते हैं। ऐसा है कि ब्रेन को रेगुलर काम करने के लिए ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है। जिस तरह से एक वाहन को काम करने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, जब ब्लड सप्लाई किसी कारण से अवरुद्ध हो जाती है तो पैरालिसिस आता है। ये कई तरह के लक्षण होते हैं, जैसे एक हाथ और एक पैर कमज़ोर होना, बोलते बोलते जवान लड़खड़ा जाना, एक हाथ में झंझनाहट होना, एक के दो दिखना, और आपको ये हैरानी की बात होगी, और जो अनकॉमन सिम्टम है जैसे सडनली आँख की रोशनी चले जाना और निगलने या बोलने में दिक्कत आना, ये भी पैरालिसिस के सिम्टम है। डॉक्टर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि पैरालिसिस अटैक क्या होता है और इसके क्या कारण होते हैं। पैरालिसिस अटैक के कई कारण होते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज,
खून में चर्बी का ज़्यादा होना जैसे कोलेस्ट्रॉल होना और कई बार चोट लगने के कारण और रेयर कॉजेज में ट्यूमर्स के कारण भी पैरालिसिस आ जाता है। जी डॉक्टर, आपने जैसा कि बताया पैरालिसिस के क्या कारण होते हैं, तो हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि किस अवस्था में ये अटैक सबसे ज़्यादा होता है, क्या इसकी कोई एज होती है कि इस एज ग्रुप के लोगों को ये अटैक सबसे ज़्यादा परेशान करता है? हाँ, सबसे ज़्यादा ये जो अटैक होता है ये आफ्टर 50 होता है, और जो सबसे ज़्यादा इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो जैसे कोई पेशेंट को ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहे हो, डायबिटीज़ ज़्यादा हो, उसका वेट ज़्यादा हो, या फिर अत्यधिक धूम्रपान करते हों, या फिर तनावग्रस्त जिंदगी जीते हों, जैसे देर रात तक जगना, हाई स्पीड्स हाई वोल्टेज में काम करना और हाई लाइट्स में काम करना, इससे भी कई बार पैरालिसिस आ जाता है। डॉक्टर, जैसा आपने बताया कि 50 प्लस के बाद ये पैरालिसिस अटैक लोगों को ज़्यादा परेशान करता है, तो एक और बात मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूँगी कि क्या ये रोग ठीक हो जाता है या लाइफ टाइम इसके बने रहने की संभावना होती है? ऐसा है कि ये बहुत गलत अवधारणा बनी हुई है कि एक बार ये पैरालिसिस आ गया तो लाइफ टाइम पैरालिसिस रहेगा। ये देखा गया है कि अगर समय पर इलाज, इनिशियली इलाज मिल जाए तो 50% पैरालिसिस बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। 20-30% पैरालिसिस ऐसे होते हैं कि आदमी की पेशेंट की ये कंडीशन आ जाती है कि वो अपना रूटीन काम कर सके, और 5-10% पैरालिसिस ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी सीवियर डिग्री के होते हैं, उसमें ये लाइफ लॉन्ग आदमी को काम करने से अवरुद्ध कर देता है। जी डॉक्टर, जैसा आपने बताया कि इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है और इससे बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये लाइफ टाइम रहे, पैरालिसिस ठीक हो जाता है, तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन कौन से टेस्ट होते हैं जो इसकी जांच के लिए ज़रूरी होते हैं जिससे पता लगता है कि पैरालिसिस अटैक है, और कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, कितनी सीटिंग्स में इसका ट्रीटमेंट होता है? ऐसे है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है, हालांकि कई हाई टेस्ट भी आ गए हैं, लेकिन जो कॉमन टेस्ट है जो कि आजकल सब जगह अवेलेबल है वो सीटी स्कैन है। सीटी स्कैन से ये पता चलता है कि पैरालिसिस का काम नसों का अवरुद्ध होने से हुआ है या नस के फटने से हुआ है। रही बात इस पैरालिसिस में, सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है इनिशियल इलाज। अगर इनिशियल इलाज अच्छा हो जाए तो बाद में पैरालिसिस की फ्यूचर सीटिंग्स कम होती हैं और भविष्य में उसका बेहतर आउटकम होता है। रही बात सीटिंग्स की, इसको एग्जैक्टली कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, अगर 5-6 महीने रेगुलर इलाज लिया जाए और प्रॉपर फिजियोथेरेपी, प्रॉपर एक्सरसाइज करवाई जाए, तो पैरालिसिस काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है। जी डॉक्टर, जैसा कि आपने बताया कि एक्सरसाइज और मेडिसिन से और प्रॉपर ट्रीटमेंट से पैरालिसिस ठीक हो सकता है, तो हमारे दर्शकों को मैं चाहती हूँ कि आप ये बताएं, जब पैरालिसिस अटैक होता है तो खान पान का क्या खास ख्याल रखें? खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि एक तो तेल, घी और एक्सेसिव वसायुक्त चीज़ों का उपयोग ना करें, एक शुगर की बनी हुई चीज़ों का। हमारे ये कंसेप्ट है कि सिर्फ तेल और घी चीज़ कम लेंगे तो इससे बचा जा सकता है, लेकिन मेरा दर्शकों को ये कहना है कि ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स जैसे आलू है, केला है, चावल है, शुगर युक्त चीज़ें हैं, और ये जो आजकल जंक फूड है, इनसे बचना चाहिए, इससे ये पैरालिसिस के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो डॉक्टर, जैसा कि आपने बताया हमारे दर्शकों की, दर्शक किस तरह से पैरालिसिस अटैक जब होता है उस वक्त खान पान का अपना ध्यान रखें ताकि वो इस बीमारी से काफ़ी हद तक बचाव कर सकें, यहाँ मैं एक और बात आपसे पूछना चाहूँगी कि पैरालिसिस का जब अटैक आता है तो एक खास बात लोगों में एक भ्रांति बनी हुई है, एक अंधविश्वास बना हुआ है कि झाड़ा लगवाने से ये काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है, तो मैं चाहूँगी आप इसके बारे में दर्शकों से हमारे क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये झाड़े का प्रचलन अपने हिंदुस्तान में बहुत है, क्योंकि हमारे यहाँ इलिटरेसी बहुत है, और आपको जान के हैरानी होगी कि इवन लिटरेट लोग, शहर में रहने वाले लोग भी झाड़ा लगवाने जाते हैं। ऐसा कोई मेडिकल प्रूफ नहीं है कि झाड़े से ठीक होता है, एक केवल मरीज को मानसिक शांति होती है, और मेरा तो ये मानना है कि अगर ट्रीटमेंट पेशेंट कहीं भी कुछ भी करे, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट रेगुलर ले। नॉर्मली हम लोग अगर पेशेंट डॉक्टर के पास आता है और डॉक्टर को कहता है साहब हम झाड़ा लगवा दें, तो डॉक्टर तुरंत उसको बहुत नाराज़ होता है, उससे कई बार मरीज की भावना को आहत होती है। तो मेरा मानना है कि अपने जो धार्मिक ट्रेडिशनल मान्यता, ट्रेडिशनल उपचार जहाँ भी वो जाना जाए, लेकिन दवाई बंद ना करें, क्योंकि हिंदुस्तान में ट्रेडिशनल और धार्मिक चीज़ों से लोगों को मानसिक बल मिलता है, लेकिन झाड़े का इलाज में कुछ फ़ायदा होता है इसका कोई मेडिकल प्रूफ नहीं है, ये केवल मानसिक संतुष्टि के लिए होता है, लेकिन झाड़े के चक्कर में ये ना हो कि ट्रीटमेंट को बंद कर दिया।
जी डॉक्टर, बिल्कुल सही कहा आपने। चाहे आप किसी भी तरह का इलाज करवाएं ट्रेडिशनली या धार्मिक रूप से, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट बंद ना करें। तो दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर ने बताया, पैरालिसिस अटैक क्या होता है, क्या इसके लक्षण होते हैं और क्या इसके कारण होते हैं। फिलहाल हमारे प्रोग्राम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी।